क्या बात है, अरे यार, अच्छा हांगकांग, वेल परफॉर्मेंस आपने देखा यार, सलमान सर से बात की जाए, क्या बोलते हैं आप लोग, ये वाली साइड क्या बोलते हैं, शुड वी कॉल सलमान खान बैक ऑन स्टेज? ओके वेल, ये तो तैयार है, लेकिन आई नो बहुत लोगों के दिल में बहुत से सवाल हैं टू आस्क सलमान खान. वेल लेडीज एंड जेंटलमैन, आज मैं आपके बिहाफ पे ये सारे सवाल और इन सब सवालों का खुलासा करूंगा विद द वन एंड ओनली सलमान खान. सर, कैन वी हैव यू बैक ऑन स्टेज? एक बार जोरदार तालियां फॉर सलमान खान, कम ऑन. ऑल राइट, वेल कौन कौन स्टेप कॉपी कर रहा था जब सर डांस कर रहे थे? आप कॉपी कर रहे थे सर? आपने कौन कौन सा स्टेप आपका फेवरेट है सर? कोई भी स्टेप कर लेते, कमाल आदमी है यार ये तो यार. वेल यहाँ पे आप भी कर लेती हैं सलमान खान वाला डांस, वेरी गुड. ओके एंड यहाँ पे यार, व्हाट अबाउट दिस साइड यार? अच्छा, आप में से कौन है जो स्टेज पे आके सलमान खान के साथ डांस करना चाहेगा? एंड यहाँ पे कौन है यार जो आना चाहेगा? अच्छा नहीं, ऐसे नहीं, थोड़ा सा करके दिखाना पड़ेगा, थोड़ा एक स्टेप करके दिखाओ मुझे, तुम स्टेप करके दिखाओ. हाँ तुम जो छोटे वाले, हाँ एक स्टेप करके दिखाओ सलमान खान का. हाँ तो बताओ कैसे आओगे स्टेज पे, कम ऑन. हाँ करके दिखाओ, वहीं से बेटा, वहीं से. हाँ ओए हुए, बेल्ट पहनी नहीं फिर भी दबंग वाला स्टेप, वेरी गुड. अच्छा आप करके दिखाओ, आप एक स्टेप करके दिखाओ सलमान खान का, कौन सा वाला करोगे आप, कौन सा? अच्छा आप पकड़ा क्या हुआ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा. अच्छा बेल्ट पकड़ी, ओके. यहाँ पे कौन करके दिखा रहा है मुझे सलमान खान का स्टेप? आप कर सकते हो, ये कौन सा स्टेप था? अरे वाह, आपने सलमान खान सर वाला ब्रेसलेट भी पहना, वेरी गुड. लेकिन आज मैं सलमान खान सर से बहुत सारे सवाल अभी के अभी पूछना चाहूंगा. लेडीज एंड जेंटलमैन, यस द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड. वेल अब मैं उनको यहीं पे बुला लेता हूँ, सलमान सर. सलमान सर कहाँ रह गए आप? देखिए सलमान सर से आज मैं कुछ बड़े गहरे, अच्छा प्लीज़ उन्हें बोलना मत, उनको अभी पता नहीं है. कुछ यहाँ पे लोग हैं ऑडियंस में जिन्होंने मुझे खास तौर पे कुछ सवाल दिए थे. कोई और किसी का कोई सवाल जो पूछना चाहता हो सलमान खान से, कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों? अच्छा आप में से कितने लोगों ने वीडियोस भेजे थे सवाल वाले, क्योंकि आज कुछ वीडियोस भी सिलेक्ट हुए हैं यहाँ पे. ओके काफ़ी लोग हैं वहाँ पे जिन्होंने सवाल भेजे थे. आपने भेजे था, आप उन पर नोट मार रहे हैं? अरे वाह, हांगकांग में भी ये सब होता है, मुझे लगा था इंडिया में ही होता, नोट वार रहे हैं, ये डॉलर वार रहे हैं, वेरी गुड. अच्छा क्या बात है, कैसे हैं आप? क्या सवाल आप पूछना चाहेंगे सलमान खान से? उतरी डरा दिया यार. हाँ क्या क्या सवाल? ओह हो, ये सवाल जरा मैं सुमड़ी में पूछूंगा उनसे. अच्छा ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, यार सलमान सर ऐसे नहीं आएंगे, जब तक शोर नहीं होगा सलमान सर आ नहीं पाएंगे, यू नो. ऑलराइट, एक काम करते हैं, Let's all call him together back on stage. Salman, 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 Salman. You can do better, Hong Kong. Come on, louder. Okay. Well, Salman sir, यहाँ पे आ चुके हैं. कैसे हैं सर आप? Nice jacket. Sir, please. Thank you so much, sir. Sir, please बैठिए. जी सर. सर देखिए कुछ सवाल हैं बड़े इंपॉर्टेंट, इन लोगों ने ही मुझ तक वो सवाल भेजे हैं, तो मैं अगर आपकी इजाजत हो तो पूछना चाहूंगा. नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, केम छो, गुड इवनिंग, थैंक यू फॉर बीइंग हियर. आई रियली अप्रिशिएट दिस फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट. आई हैवंट परफॉर्म्ड ऑन स्टेज लाइव लाइक दिस इन द लॉन्गेस्ट टाइम. आई थैंक you for coming here and making this evening really special. I thank Akshay Kumar for being a part of this concert. Thank you very much, Aki. God bless you. I think this is my first performance in Hong Kong. Whoa!
And if there was, it must have been a very long time ago that I don't remember. It's been almost 15, 20 years since I have performed like this on stage. Thank you for giving me that opportunity to be here in Hong Kong and perform in front of you. I hope you guys had a great time. Sir, I'm damn sure everybody had a real, real good time. Sir, I want to show you something and ask you about it. You people are really warm. Thank you. And that's perhaps the reason I'm sweating so much. Okay. So, sir, if I talk about your films, sir, I loved it. Sir, a work started, it's going to be going on. Sir, AV, play for the audience, please. Sir, you see AVs. Sir, look at this. Sir, look at this pose. This is with Bhagyashri. मैंने प्यार किया आगे बढ़े ये देखें सर सर मैंने ये हम आपके हैं कौन में देखें माधुरी जी के साथ आगे आगे नेक्स्ट ये देखें उसके बाद सर बताइए ऐश्वर्या राय अच्छा और अब देखें ये 15 साल बाद सर ये सुनो सर ये जो काउच पे ये पोज बनता है सर अगला इस काउच पे कौन होने वाला है सर सोफे पे सर मनीष पॉल वैसे ही मेरे पसीने छूट रहे हो और मत छुटवाओ पसीने नहीं सर आज ये सवाल जवाब दीजिए सर सर क्या हांगकांग से कोई होगी जो सोफे पे सर नेक्स्ट पोज हांगकांग से होगी तो किंग कांग होगी वो बैठी होंगी और मैं लेटा होऊंगा हाँ वैसे सर दो तीन यहाँ बहुत उछल रही थी वो आना चाह रही थी वो देखें दो तीन हाथ उठ रहे हैं चलिए सर वैसे एक और है सर आपना स्टाइल आइकन है सर मानना पड़ेगा आपकी शादी हो चुकी है हाँ जी सर सर अच्छा तभी स्टाइल जवाब कोई कोई गर्लफ्रेंड है आपकी हाँ सर ओ नहीं सर हाँ है वैसे सर सच्ची बता रहा हूँ सर एक है सर है हाँ जी सर बीवी को पता है आपके नहीं सर अब तो पता चली गई होगा ओ नहीं वो आई नहीं है हांगकांग आज सर लेकिन यूट्यूब का जमाना है भाई अरे बाप रे अगर किसी ने वीडियो डाला तो फिर तो मैं घर पहुंच ही नहीं पाऊंगा बट सर आपने जो स्टाइल चलाया वो होगी मेरे काउच पे सर कौन सर सर गर्लफ्रेंड मेरी होगी काउच पे तो काम भी इतना ही मिलेगा आपसे ज़्यादा ये भी बात है सर सर मतलब गर्लफ्रेंड मेरी काउच भी मेरा अच्छा चलिए कोई बात नहीं और आउच भी नहीं, मेरा नहीं। सर बट सर ये जो स्टाइल वैसा है, वैसा वाला काउच नहीं 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 सर ऐसा वाला काउच बिल्कुल ऐसा वाला सर पारिवारिक सर ये बताएं ये जो आपने स्टाइल स्टार्ट किया सर पहले एक्टर एकदम सर बिना शर्ट के डांस करते हुए कितने लोगों ने देखा था बॉस सर उसके बाद वो टैटर्ड जीन्स का स्टाइल निकाला सर गिटार बजाते हुए बट सर उसमें एक स्टाइल तो कमाल था सर ये तो मतलब मैं सर जानना चाहूंगा इलेक्ट्रिक गिटार बिना करंट की तार के कैसे बजाते थे सर आप सर मतलब करंट ही नहीं बिना ये देखें तार नहीं लगी शर्ट नहीं पहनी गिटार बजी जा रहा है अपने आप कैसे मैंने प्यार किया मैंने मैंडोलिन बजाया जी और मैंने सीखा आई लर्न टू प्ले इट अ लिटिल बिट जस्ट दैट Dunga 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 dung dunga 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 dung. Just that bit. After that, I got that guitar. Ji. Which I played. Oh Jane Jana became a big hit. Yeah. Now I play the guitar without even having a guitar. Like you must have just noticed. Wah! Matlab bina guitar ke guitar baja sakte hain the one and only Salman Khan. Taliyan ho jaye is baat pe yaar. Kamal hai. ब्लूटूथ से गिटार बजा रहे हैं तार ही नहीं है गिटार बज रहे हैं अच्छा सर ये बताएं सर आप ऑब्वियसली इतने हैंडसम सर सब पूछते हैं सर शादी कब होगी कितनी लड़कियां यहाँ एक्साइटेड होती हैं सर इतना प्यार करती हैं आपको सर कभी कोई लड़की ऐसी मिली है जिसने आपको कहा सलमान आई लव यू बट लेट्स बी फ्रेंड्स ओनली फ्रेंड जोन किया है कभी सर बहुत सारी ऐसी हैं बहुत सर जी बहुत सारी ऐसी हैं और वो सारी लड़कियाँ मुझे ज़्यादा पसंद भी है ओ माई गॉड हाउ स्वीट मतलब मैं सलमान खान नहीं हूँ तो मेरे मुंह पे पसीना चलता है हैं मैं अपनी जुराब से पहुंचू कोई बात नहीं मेरे पास भी है मेरे मेकअप दादा ने भी दे के भेजा सर पर मेरा छोटे वाला है कोई बात नहीं हाँ सर तो फ्रेंड जोन हाँ तो फ्रेंड जोन किया है सर आपको मतलब जी हाँ बहुत सारी लड़कियों ने सर जैसे कि एक्सप्रेस किया है एंड वही जो रिलेशनशिप्स है ना वही लॉन्ग लास्टिंग होते हैं सर वैसे हांगकांग की लड़कियां विश्वास करती हैं इस बात में कि फ्रेंड जोन करके बस खुश रह सकता है कोई सलमान सर यह थोड़ी बात आगे बढ़नी चाहिए आई लव ऑल ऑफ देम थैंक यू आए आए थैंक यू सर एक्चुअली वो कह रही है फ्रेंड जोन करके पास तो बुलाओ बाकी वो खुद देख लेंगी पर चलिए कोई बात नहीं सर अगला सवाल सर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ
ये सवाल के लिए सर मुझे थोड़ा सा पीछे आ जाना पड़ेगा क्योंकि खतरा हो सकता है. सर नेशनल टेलीविजन पे आपने खुद, सर मैंने नहीं, आपने खुद ये बात अग्री करी थी दैट यू आर अ वर्जिन. नहीं सर मैंने नहीं कहा ये, आप सर जनरली जाना जाते हैं सर आप तो वर्जिन मोहितो तक नहीं पीते सर, लेकिन सर ये नहीं मतलब वर्जिन वाला पीते हैं सॉरी. तो सर ये जो सर एक्चुअली यू आर अ वर्जिन सर. नहीं मैं जनरली सर मतलब सवाल. हाँ सर बताएं तो सर ये इसका जवाब प्लीज सब जानना सर. ये हमारा जो कल्चर है ना सर. जी सर. हाँ हम जो भी हों. जी सर. जैसे भी हों लेकिन छोटों की और बड़ों की इज्जत करना बहुत जरूरी होता है सर. बिल्कुल सर. तो ये कभी कभी तालियां होनी चाहिए. ये इज्जत ही थी जो मैं बच गया हूं अब तक, वरना पड़ चुकी होती अब तक मेरे. हाँ जी सर. कभी कभी ऐसे ही कुछ लोग सवाल पूछते हैं जी जिससे उनको कोई कॉन्ट्रोवर्सी चाहिए होता है. हाँ करेक्ट सर. तो उनसे बच बच के निकलता हूँ मैं. हाँ बिकॉज अगर मैंने कुछ ऐसा सीधा उल्टा सीधा बोल दिया तो पहले तो मेरी मम्मी मुझे चाटा मारेगी. हाँ और मेरे डैडी मुझे स्ट्रेट आउट पंच मारेंगे. हाँ सर ये तो बात तो, है सर. बाहर के जो लोग से इतना शायद नहीं डरता मैं, बट घर वालों से बहुत डर, बहुत ही डरता हूँ. और डर वो इज्जत का डर है. अच्छा. तो और ये मैंने बहुत पहले सीखा है स्कूल के अंदर, के बचपन के अंदर, कि जब मम्मी बात नहीं करती थी तो बहुत अपसेट फील करता था, वो साइलेंट ट्रीटमेंट मिलता था. जब टीचर्स इग्नोर करती थी कि इसका कुछ नहीं होना, तो उस वक्त बहुत तकलीफ होती थी. और डर तो सिर्फ उसी का है, रिस्पेक्ट का है, कि कभी कुछ ऐसी उल्टी सीधी हरकत ना हो जाए जिसकी वजह से अपनों को दुख पहुँचे. अपनों इज ऑल्सो फैमिली, इज ऑल्सो फ्रेंड्स एंड इज ऑल ऑफ यू. क्या बात है यार. यार सीरियसली सर बड़ी गहरी बात आपने कही सर. इसी से बात मुझे इतने शैलो आदमी के साथ गहरी बात करना बहुत मुश्किल. नहीं नहीं सर मैं आपको बताऊं एक और बड़ा गहरा सवाल आया आपकी गहरी बात से. सर मैं आपको एक ये भी दिखाना चाहता हूं. सर हम सब जानना चाहते हैं इसके पीछे का राज. जरा प्लीज चलाएं क्लिपिंग. सर पारिवारिक बातें अभी जो हो रही थी. जी सर. सर मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, इनफैक्ट बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं सर, जब भाग्यश्री ऐसे खड़ी थी. जी सर. सर उन्होंने क्या पहना था सर? सर क्योंकि क्या है, देखिए मैं बताऊँ हम कब से ये सवाल सर, सर सिर्फ आपने देखा क्योंकि सूरत बढ़ जाती है जी भी इस तरफ थे, हम भी सब इस तरफ थे, कोई उस तरफ आ ही नहीं पाया. सर बहुत लंबा मतलब कब का सवाल सर अटका हुआ है सर. पीछे की बात असलियत ये है. जी सर. कि वो जो तस्वीर आपने देखी है फिल्म में, अगर इफ एनीवन हैज सीन मैंने प्यार किया. कमाल कर रहे हैं आप. सब अभी तक घिस चुके हैं सर देख देख के, मतलब अभी भी देखते हैं बार बार. तो दैट पिक्चर दैट फोटोग्राफ व्हिच इज इन द मूवी, एक्चुअली द ड्रेस वाज एग्जैक्टली लाइक दैट, बट भाग्यश्री रिफ्यूज्ड टू वेयर इट. शी डिडंट वांट टू एक्सपोज. और एक्सपोजर क्या था, यहां से लेके यहां तक, और इतना लंबा स्कर्ट था वो, बिकॉज दैट वाज मैंने प्यार किया. सर वो एक्सपोज कह रही थी उसको. जी. विच आई लव्ड व्हाट शी डिड. देन माय डायरेक्टर सूरज ब्रजातिया सेड दैट योर हीरोइन इज ओनली फॉर यू, लाइक योर वाइफ इज ओनली फॉर यू. यस सर. ओके. सो ही सेड देन लेट्स गिव एवरीवन द इंप्रेशन दैट शी इज वोन द ड्रेस एंड लेट हर वेयर व्हाटएवर शी नीड्स टू वेयर. सो शी वोर a very long dress and she came and she did that. But for my expressions, it looked like she's worn that. Yeah. क्या मतलब इतने साल हम धोखे में रहे सर, सरदार राज खुल गया. नहीं मतलब धोखा नहीं, मतलब अच्छी बात है पारिवारिक सर. बिल्कुल सर. अब देखिए इतने सारे आपके फैंस हैं, इन्होंने इतने दबा दब वीडियोज भेजे हैं सर, उनमें से तीन जो है वो हमने सिलेक्ट किए हैं सर. वो कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो मैं पहला जरूर. सवाल प्लीज प्ले करना चाहूंगा एक बार. प्लीज बताए पहला सवाल. Hi, this is my concert ticket for the Punk Show in Hong Kong. This is my seat plan VIP section A. Let me show you something. This is the place of the concert which is going to be held next week.
Well, I've been waiting for it since a couple of months already now. So I can just look at here and then feel like it's almost ready. So my question for you today, Salman, bro, is you're associated with Being Human that is doing such a noble work for underprivileged people in India. Do you plan to do something similar work outside India, and how can we get associated with it in Hong Kong? Please let me know your answer on the day of the event. Best wishes. सर सवाल बहुत भारी था. बीइंग ह्यूमन के लिए पहले तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए. आई थिंक इट्स अ वंडरफुल इनिशिएटिव सर, हैट्स ऑफ टू यू. बट सर बहुत से लोग हैं जो बाहर से भी मदद करना चाह रहे. हाउ डू सो बीइंग ह्यूमन इज समथिंग दैट इफ यू नो व्हाट वी डू देन आई एम रियली हैप्पी. इट्स अ रियली स्मॉल चैरिटेबल ट्रस्ट एंड वी ट्राई टू डू एज मच गुड एज वी कैन एंड वी डूइंग प्रीटी ओके इन इंडिया. Right now, it's just India because that's all that we can afford. A lot of people keep on telling me how they can contribute to being human. Being human is yours. It's everybody's. So when you come out of the house and you see a needy, you make sure if that kid is a brilliant kid, then you might want to sponsor that kid's education if he can't afford it. If someone is not well, family member, hi, sweetheart. So if there's somebody, a family member or a friend or some staff member who's not well, and if money can save his life, I think you should contribute to that. And that's the only way that you can contribute to being human. Kya baat hai, sir? Sir, aapne ek jagah kaha tha kahin pe ki चैरिटी करो, चाहे अच्छे के लिए करो, चाहे अपने गिल्ट को दूर करने के लिए करो. You know, people have said this to me a lot. I keep on hearing this. Is have you started this to change your image? I have. What can I say to these people? Yes, yes. Perhaps if you think so, yes. But then, you also can do that. You also can do that. If you have a guilt, if you've done something wrong, if you're scared, if you're afraid, if you have any fears, and you think that by donating some money, it'll make your conscience feel better, then why not? You should go ahead and do it. It's okay. Kya baat hai. To chalo, is sawal ka jawab to sir aa gaya hai, lekin aur fans hain sir. Ek video aur hai. Sure. Sir, ye dekhiye. Hi. How sweet. क्या बात क्या पूछ रही थी वो तो बता दो भाई. सवाल ही इन्होंने बताई है सर. सर सवाल मैं क्या? बताता सवाल क्या पूछा इन्होंने सर आपसे. ये सवाल जनरली पूछ लेते हैं कई बार. नहीं नहीं मैं बताता हूँ सर. अरे okay. आप सवाल बड़े अच्छा. सर ये पूछ रहे हैं कि अगर ये जो आप हर फिल्म में शर्ट उतारते हैं, किस किस को मजा आता है वैसे? सच्ची बताएं जो सलमान सर. अब पिछली वाले में तो पैंट भी उतार दी सुल्तान में, अब क्या. बस सर अब उसके आगे मत जाइए. आई स्वर गॉड, यू नो व्हेन आई डिड दिस दिस फिल्म सुल्तान, तो ऑन प्रिंसिपल आई सेड या आई विल डू द फिल्म एंड आई हैड स्टार्ट ट्रेनिंग फॉर दिस फिल्म. बट व्हेन द फर्स्ट टाइम आई वो दैट लंगोट, आई स्वर गॉड आई हैव क्राइड इन माई वैन. आई हैव फेल्ट सो ह्यूमिलिएटेड that when I walked out of the van and I saw these 5,000 people, women and all the supporting cast and the junior artists there, and they've gone, whoa! I just couldn't handle it. I came back to my van. It was the most difficult thing. So now I understand when our heroines, have to wear
you know, shorter clothes like swimsuits and stuff like that. I understand today that what they must be going through, I think it's like the bravest thing there is ever. First, I used to have a whole different opinion. Today, I have lots of respect for all of them. Sir, I'm telling you, I've seen your Sultan, so I thought about vanity, I'm going to go out of the lungot, I'm going to लंगोट के लिए टांगों की जरूरत होती है नहीं सर लंगोट के लिए पहले लंगोट की जरूरत थी मैं वही पहनना भूल गया था चिल्लाओ उसले रहे थे पर चलिए अब मैं आपको जरा दिखा दूं एक और सर जो फैन है उसका वीडियो प्लीज चलाएं हाय हाय मिस्टर सलमान खान अस्सलाम वालेकुम आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू इफ आई बॉट अ शर्ट फॉर यू Will you wear it in your next movie? I think the shirt fits your style and would suit you very well. Thank you. I really appreciate this. I would have worn it. I might even wear it, but it has to go with the film. And zyada karke, I'm just wearing Being Human stuff right now. So that's the only thing that I wear. To chaliye sir, ek baar. But I really appreciate it. Thank you so much. Thank you. तो चलिए शर्ट तो आ जाएगी सर एक काम करते हैं आगे चलने से पहले सर एक जरा वॉक लेके आते हैं वहां तक बड़ा मजा आएगा सबको प्लीज आइए जरा कम ऑन सर लोग जरा और नजदीक से देखें आपको कम ऑन एक बार जोरदार तालियां लेडीज एंड जेंटलमैन फॉर द वन एंड ओनली सलमान खान थैंक यू ऑलराइट एवरीबॉडी सर एक्चुअली All right. क्या बात है सर वो सर एक्चुअली मैं जान के आपको लेके गया था मेरी बारी में इतने फोन आते ही नहीं ना मैंने कहा एक बार मैं भी मजा लेके आऊं उस बात का पर सर ये बात माननी पड़ेगी सर आप कमाल टैलेंट स्पॉट करते हैं सर नए नए लोगों को लॉन्च करते हैं ये कमाल की चीज है सर लेकिन मैं चाहता हूं देखिए मुंबई में तो हैं बहुत से बच्चे जिनको मौका मिल गया लॉन्च होने का आपके थ्रू सर हांगकांग वालों ने क्या गलती की है सर यहां पे भी कोई होना चाहिए लाइव ऑडिशन क्या बोलते हैं आप लोग क्या बोलते हैं लाइव ऑडिशन अभी हो जाए अच्छा कौन है जो चाहता है कि सलमान सर उसको लॉन्च करें एनीबडी कौन है नहीं फिलहाल हीरो की तलाश चल रही है कौन है हीरो सर आप हीरो नहीं सर अब फिलहाल तो विलेन की तरह लॉन्च होके बैठ जाएं आप सर अच्छा आपको लगता है आ जाइए आइए व्हाट अबाउट दिस साइड यहां पे कोई ओके इनको इनको आने दीजिए सूट में हाँ द सूट वन ओके हीरो कौन हीरो लॉन्च हो आप होना चाहेंगे आ जाओ ओके ओके आइए आइए सर ये दो दो लड़के हैं जो बहुत फुदक रहे थे लॉन्च होने के लिए सर ये तो नीचे से ही अपने आप को लॉन्च करके ऊपर आ गया सर आ जाए क्या बात है आप भी आना चाहेंगे अभी बुलाते हैं आपको रुकें फिलहाल आइए चलिए भाई रेडी आप लोग ओके वेरी नाइस क्या नाम है आपका अमित अमित आपका क्या नाम है नाशिद नाशिद अगर आपका नाम अमित होता तो क्या उखाड़ लेते नहीं माइंड अच्छा चलिए अब आप लोग आज आपका मौका है आज आपका जोरदार तालियां हो जाए कम ऑन ओके नाशिद एंड अमित आज आपका मौका है टू बी लॉन्च्ड बाय द वन एंड ओनली सलमान खान मैं बता रहा सर आपने बोला अब लॉन्च करना पड़ेगा सर देखिए मैंने नहीं बोला आपने बोला अच्छा मैं लॉन्च करूं लॉन्च करो ठीक है आप इनके बहुत बड़े फैन हैं जी जी कितने बड़े बहुत बड़े सबसे बड़े मतलब इतने बड़े हैं कि परछत्ती से सामान उतार लेते खड़े होके इतने बड़े हैं आप जी वेरी गुड आप कितने बड़े फैन हैं बस बीवी बच्चों को छोड़ के आ गए ऊपर बीवी बच्चों को छोड़ रहे हैं तभी इतने खुश लग रहे हैं बीवी से थोड़ी सी दूर हुए हैं वेरी नाइस अच्छा आपको सलमान सर में बेस्ट चीज क्या लगती है सर उन सर की पर्सनैलिटी वो तो है यार पर्सनैलिटी जबरदस्त है सर की चलिए अब आपको मौका मिलता है दो पड़ाव आपको पार करने होंगे और अगर आपने ये दोनों पड़ाव पार कर लिए
तो आपको मौका मिलेगा टू बी लॉन्च बाय द वन एंड ओनली सलमान खान. ओके, देखिए मैं आपको दो क्लिपिंग्स दिखाऊंगा, आपने क्लिपिंग्स देखनी है, आपने बताना है उन दोनों में डिफरेंस क्या है. ओके, रेडी? पहली क्लिपिंग ये देखिए, अगर ये दबंग है तो फिर नेक्स्ट क्लिपिंग प्लीज, ये क्या है? अगर वो दबंग है तो ये क्या है बताओ. 5 सेकंड मिलेंगे. किक, सरी कह रहे किक. वो दबंग है तो ये क्या है? ये किक. देखिए आप लोगों को बता दूं, किक गलत जवाब है. अगर वो दबंग था तो ये हुड़ हुड़ दबंग है. हुड़ हुड़ दबंग, हुड़ 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 पहना है, हुड़ 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 दबंग. ठीक है, क्या कर रहे हैं आप लोग इतना मौका पर. सर कोई बात नहीं, सलमान सर इनको एक और मौका देते हैं प्लीज. मैं बहुत, मेरे को पूरा यकीन है ये हीरो बन सकते हैं दोनों. सर अगर ये आपके जैसा डांस कर ले तो आज आपको मौका मिलेगा टू बी लॉन्च्ड बाय सलमान खान. रेडी आप? जी सर. आप डांस कर लेते हैं? जी कर लेता हूँ. तो कैसे जगाते हैं अपने अंदर की डेजी शाह को? डेजी शाह को तो नहीं लगा रहा, लेकिन सलमान खान सर को जगा. अच्छा, और आप अपने अंदर की बिपाशा को कैसे जगाते हैं? हाय दाढ़ी वाली बिपाशा. अच्छा चलो कोई नहीं, रेडी? सबसे पहले सर आप सर ये मेरे भाई हैं दोनों, बहुत अच्छे. अच्छा सर ये बताएं, आप इनको एक स्टेप प्लीज दें और ये दोनों वो स्टेप करके दिखाएंगे. सर मैं भी इनका साथ दूंगा. पहला स्टेप सर कौन सा स्टेप करवाया जाए आप बताएं. सर ढिंका चिक्का, ढिंका चिक्का वाला करवाएं सर. सर एक बार बता दीजिए इनको, जेबों में हाथ डालो, तुम्हारी जेब में कपड़ा है ना. क्या बात है यार, आई मस्ट से सर बहुत बढ़िया किया, जोरदार तालियां दोनों के लिए होनी चाहिए, बहुत अच्छा किया है. अब आप बहुत क्लोज आ चुके हैं लॉन्च होने के. अब अगला आपको करना है, टोटल 3 स्टेप्स हैं, एक आप क्लियर कर चुके हैं, दूसरा स्टेप रेडी? ओ ओ जाने जाना सलमान सर, वो तो मतलब कमाल स्टेप है ये. ठीक है रेडी? ओए होए, बहुत बढ़िया, आई थिंक बहुत बढ़िया किया. ये जो मक्खी पका रहे थे भाई साहब, कमाल. ओ हो जीन से. अच्छा चलो, बट फिर भी आई मस्ट से ये फिर भी अच्छा था आपका, ऐसा नहीं कहूंगा बुरा नहीं था. पर अब फाइनल स्टेप, ये आखिरी स्टेप अगर इन्होंने ढंग से कर लिया, they will be launched by Salman Khan. Ready? ठीक है, पहले गाना बजाएंगे हम, आपको स्टेप सर दिखाएंगे. रेडी है? नहीं भी होते तो क्या कर लेते. रेडी म्यूजिक. ना वो चेहरा नूरानी कहीं कहीं दिल वाली बातें भी ना वो सजरी जवानी कहीं जग घूमे थारे जैसा ना कोई जग घूमे थारे जैसा ना कोई ना तो हंसना रुमानी कहीं ना तो खुशबू सुहानी कहीं ना वो रंगली यादों देखी ना वो प्यार सी नादानी कहीं जैसी तू है वैसी रहना जग घूमे यहाँ
क्या बात है यार, जोरदार तालियां होनी चाहिए। ओ मैन, ओ हो हो, इतना बढ़िया। ये मतलब कैसा लगा जो आपने अपनी पैंट से पूरी? थैंक यू वेरी मच मनीष पॉल, जस्ट वेस्टिंग टाइम राइट नाउ। नहीं बिल्कुल भी नहीं सर। सर मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, going to come back and do the finale act for you. Thank you, thank you. Okay. एक बार तालियां फिलहाल आपके लिए, इनके लिए सर एक प्राइज है, प्राइज आ जाए प्लीज। हाँ हाँ प्राइज है, प्राइज है, प्राइज है। हाँ, we are sending that. But आपको बता दें, अब एक कमाल का एक्ट आने वाला है। All the superstars together. Misunderstand मत कीजिए, लड़कियां प्राइज नहीं है, ये प्राइज है। Thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you so much, Eric. बर जोरदार तालियां इनके लिए. And जोरदार तालियां फॉर सलमान खान एवरीबॉडी।